लॉजिकल थिंकिंग्स होती हैं। अच्छा आप कहेंगे कैसा हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, ये ऐसे तो नहीं हो सकता, तो दैट्स अ लॉजिकल डिस्कशन। अभी आप क्वेश्चन उठ रहे हैं ना आपके जहन में, तो ये लॉजिकल डिस्कशन है, लॉजिकल डिबेट है, ये कैसे मुमकिन है। तो यहाँ 11 साल की एज तक, मैं पहले ये क्लियर कर लूँ कि हाउ लॉजिकल आर यू, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया आपके साथ। कॉन्क्रीट थॉट, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, कॉन्क्रीट थॉट ब्लैक एंड वाइट होता है, चीज़ें सही होती हैं या गलत होती हैं, अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं, बस ये कॉन्क्रीट थॉट है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट ऐसे नहीं होता ना, उसमें इमेजिनेशंस भी हैं, उसमें फैंटेसी भी है, उसमें पोएट्री भी है, उसमें आर्ट भी है, कल्चर भी है, लिटरेचर भी है, बहुत कुछ है। तो ये एक अलग ही दुनिया है एब्स्ट्रैक्ट थॉट की, इसकी तो मंजिल ही कोई नहीं है। तो कॉन्क्रीट थॉट ये है कि हम हर, और ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कि हमें ये कॉन्क्रीट थिंकर बनाया जाता है। ये आपको यहाँ पीजे से समझ आएगा कि हम ट्रेंड करते हैं लोगों को कॉन्क्रीट थिंकर बनाने, नई नई चीज़ें सही होती हैं या गलत होती हैं, अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। ये तो 7 से 11 साल के बच्चे को सिखाया जाता है यार, लेट द पीपल डिसाइड व्हाट इज गुड और बैड। नहीं नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, क्या आप नहीं डिसाइड कर सकते, डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ चीजों को देखने के परखने के बाद ये डिसाइड नहीं कर सकते ये अच्छा है या बुरा है, कर सकते हैं ना। तो हु एम आई टू टीच यू, मेरा काम है एज ए फैसिलिटेटर आपको इंफॉर्मेशन देना, बाकी आपका काम है उसको एनालाइज करना, उसको इवेल्युएट करना, राइट तो ये प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर, कि वी टेंड टू बिकम आर स्टूडेंट्स एज अ कॉन्क्रीट थिंकर। देखा ना ये ठीक नहीं है, देखा ना ये गलत है, भाई इससे आगे की भी तो कहानी है, कोई डायलॉग, कोई डिस्कशन, कोई इवेल्युएशन, वो भी तो कोई कहानी है, वो कौन सिखाएगा, राइट तो ये लॉजिकल थिंकिंग है कॉन्क्रीट, ये भी आपको सामने दे दिया। रिवर्सिबिलिटी आपके साथ डिस्कस हो गई कि ये कैसे होगी, अब वो दोनों तरफ देख सकता है कि मैं ऐसे देख रही हूं तो ये ऐसे देख रही हूं, तो अब वो ईगो सेंट्रिज्म जो है वो डी सेंट्रिज्म की तरफ जा रहा है। तो अब आप देखते जाएं, अब ये डी सेंट्रेशन हो गई तो ये आ गया, अब आ रही है क्लासिफिकेशन। इस बच्चे में जो तीन चीजें पढ़ रही हैं वो मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि अगर आप ये तीन क्लासिफिकेशन, सीरिएशन एंड ट्रांजिटिविटी, इसका मतलब है अब वो क्लासिफाई कर सकता है, इससे क्या मुराद है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीलेंट, यही क्लासिफिकेशन है। नाउ The child can classify the things according to the size, shape, color. आप उसे classify करवा सकते हैं। अच्छा इसमें उसे बताओ red कितने हैं, वो अलहदा कर लेगा। अगर आप उसे वैसे ही फैला दो और वैसे ही चीज़ें फैला दें, colors फैला दें, और उसे कहो इसको arrange करो, वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। यानी अगर आप उसे गाइड ना भी करें कि कलर्स के हिसाब से करो, आप उसे ये सिर्फ चीज़ें फैला दें और उसे कहा तुम अपनी मर्जी से करो इसे। सपोज ये बॉल्स हैं, मैंने उसके सामने रख दी और मैंने कहा इसे क्लासिफाई करो, तो उसने क्या किया, नंबरिंग के साथ डिवाइड कर लिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सीरिएशन, आप वो अपनी मर्जी से क्लासिफाई भी कर सकता है, अब आपकी स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है, आप वो क्लासिफाई कर सकता है, इस प्रोसेस को सीरिएशन कहते हैं। और ट्रांजिटिविटी क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है पीजे की, सबसे इंपॉर्टेंट। चले मैं पीजे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी में बता देता हूं, उसने क्या किया, उसने कहा ए ये है,
ए बी से बड़ा है, ये ए है और ये बी है, ए बी से बड़ा है। आप पीजे क्या करेगा और कहता है कि सी जो है वो छोटा है, आप सपोज उसने कहा सी छोटा है बी से, चले यू कर ले, ये कर ले छोटा है, अब ये कर लेते हैं, अब आप इसको दरमियान में से उड़ा दें, तो बच्चे जो है वो इस तरीके से ट्रांजिटिविटी सीखते हैं, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, उसके लिए वो एक कॉन्क्रीट चीज लगाएंगे सामने, और फिर उसमें से कहेंगे अच्छा ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गायब करके बताना पड़ेगा बी और सी का क्या ताल्लुक है, अगर आप ए और बी बताना है तो इसको गायब कर देंगे और ए और बी का क्या ताल्लुक, ऐसे सीखते हैं ना बच्चे, तो ये है ट्रांजिटिविटी, ये है ट्रांजिटिविटी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये आपको यानी ये जो प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल है ये काफी कंफ्यूज करती है, क्योंकि वहां इरिवर्सिबिलिटी है तो यहां रिवर्सिबिलिटी है, वहां सेंट्रेशन है तो यहां डिसेंट्रेशन है, यहां जो चीज आ रही है उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ रहा है और क्या आ रहा है, क्लासिफिकेशन आ रही है और क्या आ रही है, सीरिएशन आ रही है और क्या आ रही है, ट्रांजिटिविटी आ रही है, राइट, तो ये चीज आ रही है, यहां तक कोई क्वेश्चन? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉग्निशन नॉलेज जो है वो 11 साल तक कंक्रीट होती है, इंपॉर्टेंट चीज ये, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता क्लासिफिकेशन तक आता है, कलर्स की बेस पे डिवाइड करना सीखता है, ये काम इस पे क्रिटिक है कि यहाँ स्पीच का कहीं जिक्र नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कहीं नहीं आ रही, अगर आप कंक्रीट ऑपरेशनल तक देखें तो कहीं लैंग्वेज का जिक्र नहीं, तो ये एक क्रिटिसिज्म है पीजे के ऊपर, सोशल इंटरेक्शन पे इतनी बात नहीं की गई कि आखिर पेरेंट्स का भी तो कोई रोल होगा, टीचर्स का भी तो कोई रोल होगा, वहाँ बात कम की गई है।